बागलपुर जिले के नवगछिया स्थित इस्माइलपुर बिंदटोली में ध्वस्त तटबंध का निरीक्षण करते समय एक बड़ी घटना घटी। इसमें फ्लड फाइटिंग डिवीजन कटिहार के मुख्य अभियंता अनवर जमील, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगातार कैंप कर रहे थे, इसी दौरान गंगा नदी की तेज धार में बहने लगे, जहां घटना के तुरंत बाद एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जाता है कि मुख्य अभियंता अनवर जमील अब सुरक्षित हैं और इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा उपायों को और भी सख्त किया जा रहा है। भागलपुर के साकुंड थाना क्षेत्र में 21 अगस्त की रात एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या मामले का भागलपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही हत्या में उपयोग किए गए चाकू और अपराधियों के पास से खून सना गमछा भी बरामद किया है। शनिवार को सिटी एसपी श्री राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सिटी एसपी श्री राज ने बताया कि घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान के जरिए लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने महज 48 घंटे के भीतर हत्याकांड में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी श्री राज ने बताया कि पूर्व में मृतक से हुए विवाद को लेकर अपराधी नितेश कुमार और सूरज कुमार ने हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी नितेश कुमार अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको गांव का रहने वाला है, जिस पर कहलगांव थाने में आर्म्स एक्ट सहित दो पूर्व से मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में रहकर मजदूरी करने वाले विक्रम कुमार कुछ दिन पूर्व अपने गाँव वापस लौटा था, जहाँ बुधवार की रात सोए अवस्था में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक की मां के बयान पर साकुंड थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आज का पीसी एक महत्वपूर्ण सफलता से संबंधित है, जो कि साकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत ये किया गया है। 21 तारीख को रात्रि तकरीबन 10 बजे गुड़गावा गांव के रहने वाले विक्रम कुमार, उनकी हत्या छत पर गर्दन में चाकू से वार करते हुए कर दिया गया था। इस संबंध में एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया और यह घटना शुरुआत में अज्ञात के रूप में थी, तो इसके लिए थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम ने सूचना संकलन करते हुए इस संबंध में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम नितेश कुमार उर्फ नितीश है उर्फ दुर्लभ, पिता स्वर्गीय शालिग्राम मंडल जो कि मरको थाना अमरपुर जिला बांका, दूसरा सूरज कुमार पिता नंदलाल मंडल जो कि गुड़गावा का ही रहने वाला है साकुंड थाना। ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो घटना कारित किया गया है चाकू, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि इनका जो मृतक है उनसे पूर्व का एक विवाद था और घटना के समय मोबाइल को लेकर मांगने को लेकर जो है विवाद हुआ और इस आवेश में आके नितेश और उर्फ नितीश और सूरज कुमार ने मिलकर विक्रम की हत्या कर दी। नीतीश का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, जो कि कहलगांव थाना कांड संख्या 1277-23 जो आर्म्स एक्ट और 1270-23 जो कि चोरी से संबंधित है। इस घटना का जो सफल उद्भेदन किया गया है, इसमें पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में यह टीम कार्य कर रही थी और इसमें इंस्पेक्टर जयनाथ शरण थाना अध्यक्ष साकुंड, पुअनी मुकेश कुमार साकुंड, डीआईयू के सब इंस्पेक्टर सुशील राज, बच्चन प्रकाश कुमार और साकुंड थाना के पुअनी विनोद पासवान ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए घटना के 48 घंटे के अंदर और FIR दर्ज होते हुए 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई की है। सर, किस तरह का विवाद था? अपूर्व में जो इस अभी जो मृतक है उनके साथ जो है मारपीट किया गया था तकरीबन 3 से 4 साल पहले का, और जो तत्कालीन कारण निकल के यह आया है कि मोबाइल मांगने को लेकर विवाद हो रहा था। मृतक के द्वारा अभियुक्त से मोबाइल मांगा जा रहा था, ये लोग आपसी में दोस्त भी थे, इसी आवेश में आकर नितेश और सूरज ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और चाकू का प्रयोग करते हुए गर्दन पर वार करते हुए उनकी हत्या कर दी।
भागलपुर शहर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए जर्जर बिजली तार और लोहे के खंभे बदले जा रहे हैं, लेकिन इस काम की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। बिजली विभाग और उनके संवेदक के द्वारा कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस मिस्त्री द्वारा तार और खंभे बदले जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा के लिए हेलमेट और सेफ्टी किट प्रदान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा संवेदक द्वारा छोटे बच्चे को 10 से 12 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ाकर बिजली के तार बदलवाए जा रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। वहीं जब इस मामले को लेकर वहां मौजूद कर्मचारियों से बात की गई, तो उन्होंने ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इन मिस्त्रियों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग और ठेकेदार को इस मामले में जल्द ही उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके, जिससे कोई अनहोनी ना हो। कितना उम्र हो रहा है? 18 पुर गया है पक्का? सेफ्टी कुछ नहीं दिया तुमको चारिया थे पोल पर? सेफ्टी क्या लगे इतना? कुछ नहीं है, सेफ्टी का जरूरत नहीं है। बिजली विभाग से काम कर रहे थे ना? बिजली विभाग से काम कर रहे हो क्या? कैसे चढ़ाए वाया? कौन है ठेकेदार? ठेकेदार गया है क्या? तो आप मना नहीं किए सर, आप तो सरकारी आदमी बुझा रहे हैं। हम मना देंगे, काम कॉन्ट्रेक्टर का आदमी है, हम तो मना कर सकते हैं ना कि यदि माने कोई हादसा होता है तो मुआवजा के लिए कहाँ जाएगा? हादसा की स्थिति में काम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। यदि माने हादसा हो जाता है तो मुआवजा कौन देगा? हादसा जो काम इमरजेंसी में हो रहा है, अचानक हुआ है, क्या इमरजेंसी में क्या ठीक है बता रहे हैं? किट का जरूरत नहीं है, किट सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन बच्चे को चढ़ा दिए सर? बच्चे को हम नहीं चढ़ाए, वो बच्चा चढ़ा हुआ अभी भी काम कर रहा है, वहाँ भी चढ़ा हुआ है। जूनियर स्टाफ सब है, देखिए ये ना, वो कॉन्ट्रेक्टर का आदमी। अच्छा, वो भागलपुर के मधुसूदनपुर इलाके के नूरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय राघोपुर टीकर में अपराधियों के डर से प्रधानाध्यापक अजबलाल दास और स्कूल के 7 अन्य शिक्षकों ने पिछले 3 दिनों से विद्यालय में तालाबंदी कर दी है। दरअसल इन शिक्षकों ने वीआरसी नाथनगर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एचएम अजबलाल दास ने बताया कि 20 अगस्त की शाम करीब 4:45 बजे एक स्थानीय अपराधी हथियार से लैस होकर विद्यालय के बाहर आया और खिड़की के पास खड़े होकर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं को गालियाँ देने लगा। जब इसका विरोध किया गया तो अपराधी ने उन सभी को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद घटना से सभी शिक्षक भयभीत हो गए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि पहले भी विद्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। ऐसे भय के माहौल में शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने में अपनी असमर्थता जताते हुए विद्यालय में तालाबंदी कर दी और बीआरसी नाथनगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं तालाबंदी के कारण विद्यालय 3rd दिन भी बंद रहा, जिसके बाद सूचना मिलने पर नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी शालिनी, नाथनगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार और मधुसूदनपुर थाना प्रभारी मोहम्मद सफदर अली ने स्कूल का दौरा किया और मामले की जाँच की, जिसके बाद उन्होंने शिक्षकों को स्कूल खोलने का आदेश दिया, लेकिन शिक्षकों ने सुरक्षा के उचित इंतजाम के बिना विद्यालय में योगदान देने से इनकार कर दिया। बीईओ नाथनगर कुमार मनोज ने बताया कि एचएम और अन्य शिक्षकों ने संयुक्त रूप से इस मामले की लिखित शिकायत की है और आगे वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई है। पेपर में आया था, या मुझे सूचना जो मिली कि यहाँ पे कुछ किसी एक लोग के एक इंसान के द्वारा गाली गलौज या कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि हाँ वो कुछ था, वो दूसरे को बोल रहा था या कुछ भी वैसी चीज़ें थी, वो स्कूल को डायरेक्टली वो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसी कोई समस्या है नहीं यहाँ पे, और जिनके खिलाफ वो बोल रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग अभी जा कर के देखे, वो यहाँ है नहीं। आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऐसी स्थिति होगी तो थाना के द्वारा, और ऐसा कोई समस्या नहीं है। किसी शिक्षक के किसी जान माल का नुकसान नहीं है, वो आराम से आ सकते हैं और विद्यालय में पढ़ाने का कार्य शुरुआत कर सकते हैं। क्या लग रहा है ये शिक्षकों को मनगंध खिलाने क्या है? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, वो तो मैं जाऊंगी उनके साथ बैठूंगी बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन ऐसी मुझे यहां कोई समस्या नहीं दिखी कि स्कूल को बंद करके वो बैठ जाएंगे। ये खिलाफ कार्रवाई की जाएगी शिक्षक के खिलाफ? उसका मैं देखती हूँ, मैं जिला से बात करूंगी।
भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भागलपुर नगर निगम, सुल्तानगंज और नवगछिया नगर परिषदों, साथ ही सभी नगर पंचायत को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, सार्वजनिक और शांत क्षेत्रों की पहचान करें और वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने के लिए नोटिस बोर्ड लगवाए और इसका प्रचार प्रसार करे। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अस्पताल, स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे को शांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा, जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। वहीं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी नगर निकायों को निर्देशित किया गया कि वे सड़क सफाई के लिए स्वीपिंग मशीन का नियमित उपयोग करें। बता दें कि भागलपुर नगर निगम में 2 स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध है, जिनका उपयोग अब तक केवल त्योहारों के दौरान किया जाता था, लेकिन अब जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इन मशीनों का प्रतिदिन उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा DM ने शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र विकसित करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सिटी बस चलाने के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर भी जोर दिया। इसके अलावा सभी घरों में सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने के लिए नीला और हरा डस्टबिन उपलब्ध कराने की योजना बनाई, ताकि ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से कचरे को उर्वरक में बदला जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग को बायोमेडिकल कचरे का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं पर्यावरण संतुलन के लिए उद्यान विभाग को बागवानी विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मों को गांव से कम 500 मीटर की दूरी पर रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता लोक जन शिकायत, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क, सिविल सर्जन, निदेशक DRDA सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गोपाल रोड विशहरी स्थान के पास एक गरीब मजदूर चंदन कुमार के साथ मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। चंदन कुमार ने बताया कि गांव के दबंग पप्पू यादव और उनके पुत्र आनंद कुमार व विकेय कुमार ने शनिवार सुबह लाठी डंडों से लैस होकर जबरदस्ती उनसे 2,000 रुपये और चांदी की चेन छीन ली। इसके बाद आरोपियों ने चंदन कुमार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं चंदन कुमार ने घटना की लिखित शिकायत सुल्तानगंज थाने में दर्ज कराई है। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ, हम दुकान में बैठे हुए थे, लाठी डंडा से विक्की कुमार, आनंद कुमार, पप्पू यादव आया। कहाँ का था? मारपीट किया, वो भी विशहरी स्थान गोपाल और सुल्तानगंज का ही है। कहाँ मारपीट किया? मारपीट किया, हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला है, कहाँ उसका बेटा को झगड़ा लड़ा हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं है। हाँ। लेकिन हमने ऊपर आरोप लगाया और मारता भी है, रास्ता में भी, घर में घुस के भी। क्या लिया आपका? मेरा चैन लिया, 2,000 रुपया लिया। थाना में दिए आवेदन? आवेदन दिए थे। कोई कार्रवाई हुआ है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ।